अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यूटेला फिल चॉकलेट चंक कुकीज की रेसिपी। इट कम्स टुगेदर विद ओनली अ फ्यू इंग्रेडिएंट्स और ये स्टोर बॉट कुकीज से बहुत बेहतर बनते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जाएंगे 2 eggs जो कि रूम टेम्परेचर पे है, 1 cup अनसॉल्टेड बटर है, इसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया था 1 मिनट के लिए और अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, 1 cup ब्राउन शुगर, 1 cup कैस्टर शुगर, 3 cups and 3 tablespoons of all-purpose flour, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon salt, और इसमें जाएगा 1 teaspoon vanilla essence। और मैंने लिए हैं 2 cups of Cadbury Dairy Milk chocolate। आप इसमें किसी भी किस्म की स्वीट चॉकलेट बार यूज कर सकते हैं। और लास्टली इसमें जाएगा न्यूटेला। मैंने लिया है न्यूटेला का जार जो कि अराउंड 350 grams है। इसको हम स्कूप आउट करेंगे और इसकी बॉल्स बनाएंगे। मैंने लिए एक ट्रे और उसे लाइन कर लिया है बटर पेपर के साथ। अब मैं यूज कर रही हूँ आइसक्रीम स्कूप और इससे मैं स्कूप आउट कर लूंगी न्यूटेला की बॉल्स। इस तरह से हम अराउंड 10 scoops जो है निकाल लेंगे और इसे फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। मैंने 10 balls को स्कूप आउट कर लिया है। 1 ball इज अबाउट 2 tablespoons ऑफ न्यूटेला। अब मैं इसको रखूंगी फ्रीजर में सेट होने के लिए फॉर अबाउट 15 to 20 minutes, जब तक हम कुकी डो प्रिपेयर करते हैं। मैंने ले लिया है एक लार्ज मिक्सिंग बोल और इसमें मैं ऐड कर दूंगी एग्स को। इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये थोड़े से फ्लफी हो जाए। एग्स बीट हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस और इसको दोबारा 5 to 10 seconds के लिए अच्छे से विस्क कर लूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर, इसको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। हमारा मिक्सचर अच्छे से कंबाइन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्राउन शुगर और साथ ही इसमें चली जाएगी हमारी कैस्टर शुगर। इसको विस्क की हेल्प से अच्छे से कंबाइन कर लेंगे जब तक हमारी शुगर डिजॉल्व नहीं हो जाती। 30 to 40 seconds के लिए विस्क कर लेंगे। अब ग्रेजुअली मैं इसमें मैदा ऐड करती जाऊंगी, इसको हम साथ साथ विस्क कर लेंगे। जैसे ये डो की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा वी लीव द विस्क बिहाइंड और हम इसमें स्पैचुला से काम करेंगे। मैं पोर्शंस में मैदा ऐड कर रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इनटू 3 sections और इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। If you don't have a spatula, तो आप इसमें वुडन स्पून भी यूज कर सकते हैं। बस हमें इसे इतना मिक्स करना है कि फ्लावर के जितने भी लम्स हैं वो रिमूव हो जाए। मैं लास्ट पोर्शन मैदे का ऐड कर रही हूँ इसमें और इसको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। While it's halfway done, मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट। हम अनसॉल्टेड बटर यूज करें, वी हैव इट इन आवर हैंड्स कि हमने इसमें कितना सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट ऐड करने का पर्पस ये है कि स्वीटनेस को थोड़ा सा कट डाउन कर देगा और एक बहुत बैलेंस फ्लेवर आता है कुकीज में। आप देख सकते हैं दैट आवर कुकी डो हैज स्टार्टेड टू फॉर्म और ये काफी स्टिफ हो चुकी है। साइड्स को भी अच्छे से स्क्रेप डाउन करेंगे ताकि सारा फ्लावर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। लास्टली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉकलेट चंक्स और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम कुकी डो को करेंगे चिल। इसको रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए 2 से 3 घंटों के लिए। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और अगर आपको इसे इमीडिएटली बेक करना है तो आप इसे 30 मिनट्स फ्रीजर में रखते हैं। प्रेफरेबली तो कुकी डो को 1 दिन या 2 दिन के लिए फ्रिज में रखा जाता है सेट होने के लिए, बिकॉज जितनी देर ये फ्रिज में रहेगा उतनी देर तक इसकी जो फैट्स हैं वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे और जब हम कुकीज को अवन में प्लेस करेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होंगी बल्कि वो बहुत चुई और चंकी बनेंगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस द कुकी डो इन द फ्रिज फॉर अबाउट 2 to 3 hours, उसके बाद हम बेकिंग स्टार्ट करेंगे। 2 to 3 hours हो चुके हैं और हमारी कुकी डो चिल हो गई है। अब मैं इसको अगर प्रेस करती हूँ तो ये ना तो बहुत सॉफ्ट है ना बहुत ज्यादा फर्म है। अब मैं यूज कर रही हूँ 1/4 cup की मेजरमेंट।
आप चाहें तो कोई आइसक्रीम स्कूप या फिर एक स्पून के साथ भी इसको मेजर करके कुकी डो बॉल्स बना सकते हैं, बट मैं यूज़ करी क्वार्टर कप की मेजरमेंट। इस तरह से मैं ले लूंगी कुकी डो, इसको हल्का सा कर लूंगी फ्लैटन आउट, जो हमने न्यूटेला स्कूप की थी मैं वो ले लूंगी और इसको हम कर देंगे सील। इसको हमने ओवर वर्क नहीं करना है, वी जस्ट गोइंग टू सील द एजेस ताकि इसमें से न्यूटेला जो है वो ऊज आउट ना हो। इसको हमें बहुत स्मूथली रोल आउट नहीं करना, बस रफली सील कर लेना, इस तरह के इसमें क्रैक्स होने चाहिए। तो अब मैं इसको प्लेस कर दूंगी एक ग्रीस्ड और लाइन बेकिंग ट्रे के ऊपर और हम बाकी कुकी डो बॉल्स तैयार कर लेंगे। अगर आपको ज्यादा परफेक्ट कुकी डो बॉल्स का साइज चाहिए तो आप एक वेइंग स्केल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनको वे आउट करने के लिए। इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। पहले करेंगे इसे थोड़ा सा फ्लैट, फिर इसमें स्कूप न्यूटेला प्लेस करेंगे और इसकी एजेस को सील कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। एट अ टाइम मेरी ट्रे में चार कुकी डो बॉल्स आ गई हैं। अब मैं इसको प्लेस करूंगी अवन में। अवन को मैंने प्रीहीट होने रख दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 टू 20 मिनट्स के लिए। अब अवन प्री हीट हो चुका है, अब हम कुकीज को प्लेस करेंगे दी अवन फॉर अबाउट 10 टू 12 मिनट्स एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चले कुकीज को प्लेस करते हैं। कुकीज को मैं अपर मोस्ट रैक पे प्लेस कर रही हूँ और इसमें मैं सिर्फ लोअर रॉड को ऑन रखूंगी और टाइमर मैंने सेट कर दिया है 10 टू 12 मिनट्स के लिए। आर कुकीज आर आउट ऑफ द अवन। मैंने इनको वायर रैक पे रख दिया था कूल डाउन होने के लिए फॉर एटलीस्ट 5 टू 10 मिनट्स। नाउ दैट दे कूल डाउन स्लाइटली, अब मैं इसको एक रबर स्पैचुला की हेल्प से निकाल लूंगी। आई एम गोइंग टू टेक देम ऑफ द बेकिंग ट्रे और सम फर्दर कूल डाउन होने देंगे। वैसे तो कुकीज आर बेस्ट सर्व विद वार्म विद सम वनीला आइसक्रीम, ये बहुत मजे के लगते हैं। एज यू कैन सी इसके ऊपर बहुत प्यारे से रिपल्स और क्रैक्स आ गए हैं। हमारी जो चॉकलेट बार जो हमने डेयरी मिल्क यूज़ की थी वो भी मेल्ट हो चुकी है और जो न्यूटेला है अंदर से दैट्स ऑल्सो वेरी मेल्टी। तो मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड जो है इसकी बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनी है और ऊपर से ये बहुत सॉफ्ट है, अंदर से ये बहुत च्यूई होती हैं। नाउ आई विल ब्रेक वन एंड हाफ एंड शो यू। आप देख सकते हैं कि न्यूटेला भी कम्प्लीटली इसमें मेल्ट हो चुकी है। इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत च्यूई है और इसका जो साइज है वो काफी चंकी है। इफ यू वांट यू कैन रिड्यूस द साइज ऑफ योर कुकीज एज वेल, बट आई लाइक देम लार्ज एंड चंकी। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप जरूर ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक भी देंगे। आई विल बी मीटिंग यू गाइस इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज।